थोड़ा पास में आइए। बुला लिया उन ज्ञापन देते हो जाओ। अब तो पेड़ छोड़ती हूँ, छोटे छोटे फूलों के पौधे पीछे लग गए हैं। कुमार क्या मामला है? मामला ये है कि शहर की जो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो शहर की हरियाली को गायब किया जा रहा है और ये दो तीन महीनों से ये काम चल रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि शहर में हरियाली नाम मात्र की ही बची है। हमारे ज़िले में भी जो वन क्षेत्र है वो 0.01% है और प्रदूषण का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है। गर्मी बहुत असहनीय होने जा रही है इस साल की, ध्वनि प्रदूषण बहुत गंभीर होने जा रहा है, जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो पर्यावरण का ये जो परिदृश्य है, ये स्मार्ट सिटी के जो इनका मॉडल है उससे कहीं मैच नहीं खाता। उस स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है जहाँ पर सड़कों पे छायादार वृक्ष ना हो। तो जो पहले से वृक्ष थे उनको आपने हटा दिया, ज़रूरत तो ये थी यहाँ पर और पेड़ लगाए जाते, उस वन क्षेत्र को बढ़ाया जाता। हमारा संविधान भी ये कहता है कि पर्यावरण की क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ये सरकार की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी बनती है। पिछले एक महीने से हमारा अभियान चल रहा है, 24 फरवरी से तमाम पदाधिकारियों से हम मिले हैं, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, बीडीबीसी से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, वन विभाग के अधिकारियों से, लेकिन कहीं पर भी हमको ये आश्वासन नहीं मिला कि अब जो पेड़ कट गए हैं उनके अलावा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। ये कोई खाली पर्यावरण की बात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फैशन हो गया कि पर्यावरण की बात करना, ये हम लोग के स्वास्थ्य और सांसों से जुड़ा हुआ मामला है। और ना सिर्फ इंसान बल्कि और भी जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, जो जिनका घर उन पेड़ों में है, उस पूरे इकोसिस्टम को शहर से गायब किया जा रहा है। तो ऐसा स्मार्ट सिटी हमें मंजूर नहीं है और हम फिर से एक बार मांग करते हैं कि इस हरियाली को गायब ना किया जाए। ट्रांसलोकेशन भी आपने किया उन पेड़ों का, बहुत गलत ढंग से किया है, जेसीबी मशीन से कहीं ट्रांसलोकेट नहीं होते, उसके लिए ट्रांसलोकेटर मशीन होनी चाहिए। तो हमारा तो फिलहाल मुद्दा ये है कि शहर की सड़कों से पेड़ों को हटाया ही ना जाए। हमको 4 लेन की ज़रूरत नहीं है, हमको 2 लेन चाहिए, लेकिन हमको पेड़ चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। देखिए, बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पे हरियाली को ख़त्म करने का जो काम चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, बरेली में वन क्षेत्र वैसे भी बहुत कम है, उसके बाद अभी कोरोना काल गया है जिसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम लोग इस तरीके से पेड़ों का कटान जारी रखेंगे तो बरेली में हरियाली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बरेली में विकास के नाम पर, रोडों के चौड़ीकरण के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, डिवाइडर पर लगे जो फूलों के पौधे उखाड़े जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, 4 लेन सड़क तक तो वैसे भी कोई पेड़ नहीं आ रहा है, उसके बाद अगर आ रहा है तो वॉकिंग ट्रैक बनाया जा सकता है। अतिक्रमण हटाने की जरूरत है अगर जाम से मुक्ति चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करके उसे रोड के अंदर भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो हमें चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों से सीखना चाहिए, उन्होंने हरियाली को इतना बढ़ा दिया कि स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आ गए और इन्होंने रोड चौड़ी करके और दर्जन भर स्थिति से भी पीछे पहुंच गए, 20 नंबर पीछे पहुंच गए हैं बरेली को स्मार्ट सिटी ले जाने में। तो स्मार्ट सिटी हरियाली से आएगा, ना कि कंक्रीट का शहर बनाने से। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अन्य व्यापार मंडल और जो सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ हैं, और जिन लोगों को पेड़ नहीं, जैसे बरेली कॉलेज से